बिफोर वी विल स्टार्ट 1.4 कुछ कांसेप्ट है जो 1.4 से रिलेटेड है. ओके, तो कांसेप्ट पहले हम लोग को समझ लें. फर्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब जैसे कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 4, 6, 8 and 9. ओके, एंड अगेन सेकंड सेट इज बी दैट इज 1, 4, 8, 10, 11. दो सेट है, दो सेट का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन मतलब क्या? कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका एक सेट बनता है, दैट कॉल्ड इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी, ये जो साइड है, साइड का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है जो कॉमन है? जैसे 1, 4, 8, राइट, 1, 4, 8, ये जो तीन एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट दोनों में कॉमन है. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 1, 4, 8. तो इंटरसेक्शन में लोग करते क्या है? जो कॉमन है उस कॉमन को निकाल के उसका एक सेट बनाते हैं. समझ में आया? सेकंड कांसेप्ट इज डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इससे भी पता चला करती है. जॉइंट मतलब क्या? जो जॉइंट नहीं है, मतलब जिसमें कॉमन, दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सी ए इज अ 1, 3, 5, बी इज अ 2, 4, 6. अब ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है. ए सेट में 1, 3, 5 और बी सेट में 2, 4, 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इसे हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट. क्या होता है? डिसजॉइंट सेट. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट. ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट. क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका सेट बनेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नल सेट. थर्ड इज यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन, यूनियन का मतलब तुम्हें पता है? यूनियन मतलब क्या? सब साथ में इकट्ठा दे. ओके, उसको हम लोग यूनियन कहते हैं. सो यूनियन ऑफ टू सेट मींस इफ वन सेट इज ए, ए बी सी डी ई एफ, ओके, अनदर इज बी दैट इज ए डी एम एन क्यू, राइट. अब इन दोनों को मैंने क्या यूनियन किया, क्लब किया दोनों को, ए यूनियन बी, दोनों को साथ में लिखा, राइट. अब हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि जब दो सेट हम लोग साथ में लिखते हैं तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन हम लोग एक ही बार लिखते हैं, राइट. जैसे इसमें कॉमन ना ए बी सी ए डी, इसमें कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं. सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए डी आया उसमें और उसके बाद एम एन क्यू. समझ में आया क्या क्या यूनियन के मतलब? दोनों को मिला के क्या करें? उसमें सारे एलिमेंट्स लिखने. ओके, नाउ फोर्थ एंड लास्ट, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट. यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, राइट. सो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे सामने आता है, दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. क्या है आप देखो, number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. N is stand for number. ओके, तो ये जो four concept है, इस four concept के ऊपर में क्या कर रहे हैं? 1.4 solve कर रहे हैं. समझ में आया? Intersection of two sets, disjoint set, union of two sets, and relation between number of elements in union and intersection of set. Okay, 1.4. First question is if n of a is equal to 15, number of a is equal to 15, number of a union b is equal to 29, number of a intersection b is equal to 7, then find number of b. Okay, so solution, dekho, number of a is given,
15. Number of A union B is also given. It's 29. Number of A intersection B is equal to 7. So we want to find number of B is equal to what? We know that number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Ye hamara formula hai, right? So we plot the value. Number of A union B is equal to 29. Therefore, 29 is equal to 15 plus number of B minus 7. Okay, 15 minus 7, 8. 29 is equal to 8 plus number of B. Now, 29, 8 yahan pe plus yahan pe minus hai. So, 29 minus 8 is equal to number of B. 29 minus 8 is equal to 21. So, number of B is equal to 21. Okay. So, समझ में कैसे है 21? क्या क्या नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एट इंटरसेक्शन. तो 15 में से 7 को माइनस किया तो 8 आया, फिर 8 को इसमें से माइनस किया तो बी इज इक्वल टू 21. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक हॉस्टल. इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee. क्या बताएं? एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 125. हॉस्टल में तो यूनिवर्सल हुआ, ओके, तो यूनिवर्सल में स्टूडेंट्स कितने? 125. इसमें क्या है? 80 स्टूडेंट जो है, 80 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं, तो 20 स्टूडेंट्स चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, राइट? सो हम लोग को फाइंड करना है कि find the number of students who do not drink tea or coffee, right? So number of, let number of students who drink tea be number of tea, okay? Number of students who drink coffee be number of say number of students who do drink both tea and coffee be and T intersection C. क्या है? T intersection C. Now number of T is equal to 80, C is equal to 60, intersection 20, union is equal to 125. Universal. मतलब पूरे हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 125. Number of T is equal to 80, number of C is equal to 60, number of T intersection C is equal to 20, and number of universal is equal to 125. Okay, as a formula. नंबर ऑफ टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी पर हम लोग फाइंड करना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, राइट? सो नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, राइट? नंबर ऑफ टी कितने हैं? 80 प्लस नंबर ऑफ सी 60 माइनस 20. 80 प्लस 60 140 माइनस 20, आंसर इज 120. मतलब 125 में 120 स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, राइट? अब हम लोग को ढूंढना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाय या कॉफी नहीं पीते हैं, राइट? मतलब सबके सब स्टूडेंट्स यहाँ पे चाय और कॉफी पीते हैं क्या? नहीं. तो 125 में से 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं. स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, जो बच्चे चाय या कॉफी नहीं पीते हैं वो कैसे ढूंढना है? नंबर ऑफ यूनियन नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी. यूनिवर्सल मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? टी यूनियन सी मतलब ये जो है जितने बच्चे चाय या कॉफी पीते हैं उसको माइनस करेंगे सिंपल. सो 125 माइनस 120 आंसर इज 25. सॉरी आंसर इज 5. आंसर इज 5. मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? चाय या कॉफी पीते नहीं. समझ में आया क्या क्या हमने हम लोग को दिया है कि कितने बच्चे चाय पीते, कितने बच्चे कॉफी पीते, कितने बच्चे चाय कॉफी दोनों पीते. मतलब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय भी पीते कॉफी भी पीते, तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 20, राइट? तो क्या जब दोनों को प्लस किया उसमें 20 कॉमन माइनस निकला तो 120 आए. और 120 मतलब स्टूडेंट्स ऐसे जो क्या होते हैं? चाय या कॉफी पीते हैं. फिर टोटल में से 120 को मैंने क्या किया? माइनस किया. आंसर इज 5. ओके,
Okay, question number 3 is, in a competitive exam, 50 students pass in English, 60 students pass in maths, 40 students pass in both the subject, none of them fail in both the subject. Find the number of students who pass at least in one of the subject. Okay, क्या find करना होगा कि total number of students कितने होने लगो find करें. See यहाँ पे क्या बताया है कि एक competitive exam हुआ था, उस competitive exam में 50 students English में pass हो गए और 60 students किस में pass हो गए, maths में pass हो गए. और इनमें 40 students ऐसे जो दोनों में pass हो, मतलब जो 60 पास हुए उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स में पास हुए और जो मैथ्स में पास हुए उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो इंग्लिश में भी पास हुए. तो ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए. यहाँ पे हुआ क्या कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हम लोग को फाइंड करना है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश बी नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स बी नंबर ऑफ एम, number of students who pass in both English and Maths be number of E intersection M, number of students who appear for exam, number of students who appear for exam, exam के लिए कितने बच्चे बैठे हम लोग को find करने, be number of A union M. Okay, so E is equal to 50, M is equal to 60, E intersection M is equal to 40, so E union M हम लोग क्या करना है find करना है. So हमारा फॉर्मूला है, we know that E union M is equal to number of E plus number of M minus number of E intersection M. Number of A 50, number of M 60 minus 40, 50 plus 60 110 minus 40, answer is 70. So total number of students is 70. 70 students appeared for exam. कितने बच्चों ने अपीयर किया था एग्जाम के लिए? 70 students. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 70. जिसमें से 50 students इंग्लिश में पास हो गए, 60 मैथ्स में और 40 दोनों में पास हो गए. ओके, सो 70 स्टूडेंट्स है एग्जाम में बैठे जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया था.